हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कार्बोनेटेड बेवरेज को लेकर इस 45th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक फैसला लिया गया, जिसके बाद सेंट्रल टैक्स रेट और कॉम्पनसेशन सेस में नोटिफिकेशन इशू कर एक नई कैटेगरी इंसर्ट की गई, जो है कार्बोनेटेड बेवरेज ऑफ फ्रूट ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड बेवरेज विद फ्रूट ड्रिंक्स अंडर कस्टम टैरिफ हेडिंग 2202। अब इस नई कैटेगरी पर 28% जीएसटी और 12% कॉम्पनसेशन सेस लगेगा, मतलब 40% का टैक्स। कार्बोनेटेड बेवरेज पर मैंने ऑलरेडी दो बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इस इशू पर वो डिटेल वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ब्रीफली समझेंगे ये कंट्रोवर्सी क्या है और ये नई कैटेगरी क्यों इंसर्ट की गई। जीएसटी आने से पहले भी एरेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स मतलब, उन पर हाईएस्ट टैक्स रेट ही लगाया जाता था, सेंट्रल एक्साइज हो या स्टेट लेवी हो, क्योंकि उन्हें सिन गुड्स कंसीडर किया जाता है बिकॉज दे आर हजार्डियस फॉर द हेल्थ, वो सेहत के लिए नुकसानदायक है। लेकिन कंट्रोवर्सी थी फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स को लेकर कि अगर वो कार्बोनेटेड है तो आप उन्हें एरेटेड वाटर की हाईएस्ट टैक्स रेट में रखोगे या एज फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स में क्लासिफाई करोगे। सेंट्रल एक्साइज के टाइम ये इशू सुप्रीम कोर्ट तक गया। मैं यहां पर फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स की बात कर रही हूं, जैसे माजा, फ्रूटी, नींबू की, ना कि फ्रूट जूसेस की, जो जैसे रियल का फ्रूट जूस होता है, नेचुरल्स का फ्रूट जूस होता है, उनकी नहीं, उनमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अब अनडिस्प्यूटेडली इसमें कोई दोराय नहीं है कि एरेटेड वाटर हो या फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स हो, वो दोनों ही चैप्टर 22 के कस्टम टैरिफ हेडिंग 2202 में कवर्ड है। लेकिन डिस्प्यूट था 2202-10-10 एरेटेड वाटर, जहां डिपार्टमेंट इसे क्लासिफाई करना चाह रहा था, और 2202-99-20 फ्रूट पल्प और फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स, जहां ट्रेड इसे क्लासिफाई करना चाह रहा था। प्रॉब्लम क्या थी? एरेटेड वाटर में भी आप फ्रूट जूस डालकर उससे उसकी फ्लेवरिंग कर सकते, लेकिन कहीं भी ये कोई स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब नहीं था कि आप कितना फ्रूट जूस उसमें डाल दो कि वो सिर्फ फ्लेवरिंग से निकलकर, ऊपर एरेटेड वाटर से निकलकर वो फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक बन जाए। अब इसका जवाब क्योंकि सेंट्रल एक्साइज या कस्टम्स ने तो नहीं दिया हुआ था, तो कोर्ट्स ने इस इशू को रिजॉल्व किया FSSAI रेगुलेशंस की हेल्प से, जिसके अकॉर्डिंग अगर 10% से ज़्यादा फ्रूट जूस ऐड किया गया है तो वो फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक की कैटेगरी में चला जाएगा, और नींबू के केस में ये 5% भी चलेगा। और इस बात पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने पार्ले एग्रो के केस में लगा दी कि जिसके अंदर FSSAI रेगुलेशन से ज़्यादा फ्रूट जूस ऐड किया गया है वो एरेटेड वाटर की कैटेगरी से निकलकर फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक की कैटेगरी में चला जाएगा। अब आए मोदी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही सितंबर 2014 में कर्नाटक में फूड पार्क के इनॉग्रेशन में क्या कहा, पहले वो सुनिए। कुछ कंपनियों से के सामने मैंने एक विषय रखा है, हम पेप्सी पीते हैं, कोला पीते हैं, न जाने कितने कितने इस प्रकार के
बेवरेजेस बाजार में मिलते हैं, अरबों खरबों रुपए का व्यापार होता है। मैंने इन कंपनियों को कहा कि आप ये जो बनाते हैं एरेटेड वोटर्स, क्या उसमें 5% नेचुरल फ्रूट जूस को मिक्स किया जा सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं आज जो अरबों खरबों रुपयों का इस प्रकार के पेप्सी वगैरह पेय का व्यापार है, अगर उसमें 5% ज्यादा, मैं नहीं कह रहा हूं 5% हमारा किसान जो फल पैदा करता है उस फल का जूस अगर उसमें मिक्स कर दिया जाए, हिंदुस्तान के किसान को फल बेचने के लिए कभी बाजार ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, अरबों खरबों रुपयों का फलों का व्यापार एक निर्णय में हो सकता है। तो यहां मोदी जी कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स को फ्रूट जूस ऐड करने पे क्या इंसेंटिव देने वाले थे? उन्हें कोई मेडल तो मिलने नहीं वाला था, ऑब्वियसली उन्हें कंसेशनल टैक्स रेट का ही बेनिफिट देना देने की बात की जा रही थी। तो प्रधानमंत्री जी की इस स्पीच के बाद FSSAI में नई रेगुलेशन डाली गई और वो जो फ्रूट जूस ऐड करने की रिक्वायरमेंट थी वो 10% और 5% से घटाकर 5% और 2.5% कर दी गई। तो सारे कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर फ्रूट जूस इसका यूज करने लगे, लिमका, कोका कोला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे वो कंसेशनल टैक्स रेट में आ सके। जहां एरेटेड वाटर पे 40% टैक्स था, वही फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स पर 12% टैक्स का रेट था, जिसमें दोनों में दिन रात का फर्क है। लेकिन हम हो या हमारी सरकार हो, काम पहले करते हैं सोचते बाद में। मोदी जी ने अपना भाषण दे दिया, FSSAI के द्वारा उसे इंप्लीमेंट भी कर दिया गया, लेकिन सोचा बाद में गया कि हमें ऐसी ड्रिंक्स पर कोई छूट नहीं देनी है। कोई भी कार्बोनेटेड बेवरेज, कितना भी फ्रूट जूस ऐड कर ले, हमें उसे टैक्स से छूट नहीं देनी है। उसी का नतीजा है कि अब ये नई एंट्री इंसर्ट की गई है। अब आप कार्बोनेटेड बेवरेज में कितना भी फ्रूट जूस डाल लो, 5%, 10%, बेशक 20%, अगर आपने उसे कार्बोनेट कर दिया तो आपको उस पर 40% टैक्स देना पड़ेगा। आपकी पॉलिसी थी किसानों के ज्यादा से ज्यादा फल बिकवाना, और आपकी बात मानते हुए जिन कोल्ड ड्रिंक वालों ने फ्रूट जूस ऐड करने शुरू करे, आपने उनकी फैक्ट्री से बंद करवा दी। इंडस्ट्री की परवाह तो आपको कभी भी नहीं थी, लेकिन आप जो किसानों के हितेशी बन रहे हो, उन किसानों का क्या होगा? क्या वो आपने सोच लिया है कि अब किसान कहां जाएगा? आपकी इस नई एंट्री के बाद कम से कम जिन्हें पहले कंसेशनल रेट मिल रहा था, आपने तो उनसे भी ये बेनिफिट छीन लिया। और आप लीगल फ्रंट पर भी एक बात छुपा गए कि 1 अक्टूबर 2021 जब से आप ये नई एंट्री लाए हो, उससे पहले इन फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स पर 12% GST लग रहा था, ना कि 40%। अदरवाइज ये एंट्री इंसर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं था। ये एंट्री क्लैरिफिकेटरी नहीं है, ये कुछ क्लैरिफाई नहीं कर रही है, ये एक सब्सटैंटिव एंट्री है। और ये एंट्री डालकर सरकार ने मान लिया है कि 1 अक्टूबर से पहले इन पर कंसेशनल रेट लग रहा था। तो जैसा कि हमने अपनी वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया था, इन ड्रिंक्स पर 1 अक्टूबर से पहले 12% GST लगता था, ना कि जैसा डिपार्टमेंट कह रहा था 40%। That's it. I'll see you in another video. Have a good day. Bye bye.